जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube की फैमिली, मुझे यकीन है कि आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और मेरी दुआ है कि हमेशा आप लोग अपने घरों में सेहत याबी के साथ, रहमत और बरकतों के साए में अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम रहें। दोबारा से मैं अपने चैनल पे एक्टिव हो चुकी हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आज का जो मेरा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट व्हाई एम आई अलाइव, मतलब कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। क्या कभी हमने सोचा है कि ये जो ज़िंदगी असल मिली है, बहुत बार हम मोटिवेशन की बात करते हैं, बहुत बार हम बात करते हैं लाइफ ऐसे गुजारनी चाहिए, वैसे गुजारनी चाहिए, इंक्लूडिंग मी, बहुत बार हम बात करते हैं, बट क्या हम इस बात पे गौर फिक्र करते हैं कि जो ज़िंदगी है एक्चुअल में वो क्या है, हमें क्यों दी गई है और हमें इसे कैसे गुजारना है। कुछ टाइम तक तो मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, और इनफैक्ट ये कह लिया जाए बहुत सारे लोगों का जो एक सवाल होता है कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है और मकसद को कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंसान जिसको ज़िंदगी मिली, जब उसे अपनी ही ज़िंदगी का मकसद नहीं पता कि वो क्यों आया इस लाइफ इस दुनिया में और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो दूसरे आपको कैसे बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो when I came to the conclusion और जो मैंने सीखा अब तक अपनी ज़िंदगी से, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ, हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अक्सर सबसे पहली एक मिस्टेक जो हम करते हैं, लोगों से ज़िंदगी का मकसद पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद एक्चुअल में क्या है, तो ये करना बंद कर दें। इसकी जगह आपने ये करना है, अपना मुवाज़ना करना है, ख़ुद से बैठ के बात करनी है, सोचना है, और पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठें और गौर फिक्र करें, सोचें कि आपको ये ज़िंदगी जो दी है एक्चुअल में वो क्यों दी है। कहने को तो कुछ जुमले हैं जो सिर्फ हम ज़बानी यानी ऊपरी ऊपरी कहते हैं, जैसे कि हम ये बहुत कहते हैं कि मरना तो है, दुनिया फ़ानी है, और बला बला पता नहीं क्या क्या ऐसे जो जुमले हैं जो हम ऊपरी ऊपरी कहते हैं, बट कभी गौर किया, अगर इन जुमलों को हम दिल से माने, इस पे दिल से गौर फिक्र करें, इसको सोचें समझें, तो आप अब तक जो आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जो भी मिस्टेक्स किए हैं, तो उसकी आप सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे और उसके साथ साथ अपना मकसद खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे, और आपको बहुत आसानी होगी इस बात को समझने में कि आखिर आप इस दुनिया में क्यों आए और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक रिसर्च के मुताबिक, मैं नहीं कह रही, एक रिसर्च है, रिसर्च के मुताबिक हर रोज़ यानी रातों रात जैसे कि इस पूरी दुनिया में 13 लाख लोग मरते हैं। 13 लाख में से 3 लाख ऐसे लोग होते हैं जिनके करीबी रिलेशन में से जो है वो लोग मर जाते हैं। लेट सपोज कि किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी का शौहर, यानी जो फर्स्ट क्लोज रिलेशनशिप जो होते हैं, बहुत ज़्यादा जो करीबी आपके रिश्ते होते हैं, जो आप उनके साथ रहते हैं, जिनके बगैर आप अपनी ज़िंदगी का शायद तसव्वुर ना कर पाएँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो रात को सोए और जब वो सुबह उठे हैं तो उनके साथ या तो उनकी ही आँख नहीं खुली, या फिर जो है उनके जो फर्स्ट रिलेशन है यानी जो करीबी लोग होते हैं उनकी आँख नहीं खुली। तो जब आप हर रोज़ सुबह उठें और आपको एक नई ज़िंदगी, एक नया मौका, एक नया लम्हा मिले, तो सबसे पहले गौर फिक्र करें, शुक्रगुजारी करें और इस बात की अहमियत को समझें कि आज आपको जो ये ज़िंदगी मिली, ये नेमत मिली, दोबारा एक दिन, एक मौका, बेहतरी का एक मौका मिला, क्यों मिला, आखिर कोई तो मकसद है। अब आपको आई थिंक मेरी बात समझने में आसानी होगी कि जब भी आप रोज़ सुबह उठें तो आप इस बात पर गौर फिक्र करें कि वाई आई एम अलाइव, मैं आज ज़िंदा क्यों हूँ, क्यों हूँ मैं ज़िंदा, मतलब मेरा क्या मकसद है। एम आई बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, क्या मेरे यहाँ होने से मेरे घर वालों, मेरे बच्चों, मेरे शोहर, मेरी बीवी, मेरे मुल्क, मेरे शहर को, मेरी सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, या खुदा ना खास्ता नुकसान हो रहा है, इस बात की गौर फिक्र करें। जब आप रोज़ सुबह उठें तो इस बात की भी शुक्रगुजारी करें कि ना सिर्फ आपकी आँख खुली, आपको एक नया मौका मिला, बल्कि आपके जो इर्द गिर्द जो करीबी रिश्ते हैं, जो फर्स्ट रिलेशन है, वो भी आपके साथ ज़िंदा है, मतलब आप भी सही सलामत है और आपकी फैमिली भी सही सलामत है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, क्या इससे बड़ा कोई तोहफा है। लेकिन अब आप गौर फिक्र करें कि आपको आज का जो दिन मिला, जो आज की ज़िंदगी मिली, वो क्यों मिली। जो रात को 13 लाख लोग, ओवरऑल 13 लाख लोग स्टडी के मुताबिक जो है, साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक जो एक दिन में तकरीबन 13 लाख लोग पूरी दुनिया में जो है मर जाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर, तो उसमें से ना तो आप थे ना आपके घर वाले शामिल थे, तो आप
इस बात के गौर व फिक्र करें और फिर सोचें आपकी मकसद ही है, आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए हर रोज़ अपनी इस्लाह करना, अपनी गलतियों को सुधारना, अपनी गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी करके तौबा करना और दोबारा उसे ना करने का अहद करना, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को लर्निंग प्रोसेस में लाना, और इस तरीके की तमाम वो चीज़ें हैं जो अच्छी बातें हैं जो आप अच्छा चेंज लाएं अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको अपनी ज़िंदगी का ख़ुद अपना मकसद समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक टिप दे दी जाऊँ कि आपका जो भी पैशन है, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है करना, लेट सपोज़ मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि जैसे मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और मेरा पैशन भी टीचिंग है, मतलब अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करना, उनसे बातचीत करना, ये मेरा पैशन है। तो अब आपने देखना, ये एक तो आपको मकसद का समझ आ गया, आप बातों की गहराई में जाएं, गौर व फिक्र करें, अपने आप पे गौर करें, अपने आप को रोज़ बेहतरी की तरफ लाएं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपका जो पैशन है आप उसको देखें कि आप क्या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप ऐसा क्या करें, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सा ऐसा मीडियम या इस टेक्नोलॉजी को, आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसका पॉजिटिव यूज़ करते हुए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि ना सिर्फ आप खुद को बल्कि आपके साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों, अपने बच्चों, अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, या अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को, और बाकी तमाम जो जानदार मखलूक है उनको फ़ायदा दे सकते हैं अपनी उस एजुकेशन को या अपने उस पैशन को यूज़ करते हुए। तो फिर आपको अपना ज़िंदगी का मकसद फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहूँगी, हर इंसान अपना मकसद ख़ुद फाइंड आउट करता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात या अपनी फैमिली तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन या अब तक की ज़िंदगी से जो मैंने सीखा, मकसद और सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए और उस पर फिर आप इम्प्लीमेंटेशन भी करें। मकसद आपका होना चाहिए कुछ भी अच्छा, कुछ भी, आप वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, मतलब आपका अपनी ज़ात से हट के भी अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने माहौल, अपने सोसाइटी को फ़ायदा देना हो सकता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एज सच अगर अपनी सोसाइटी में बाकायदा जाके चेंज नहीं ला पा रही अगर, तो मैं क्या कर रही हूँ, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करते हुए, या जैसे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, या फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, मैं चाहूँ तो इसे दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ, नॉर्मली टाइम वेस्ट करने के लिए या स्क्रॉल डाउन और लोगों की, दूसरों की प्रोफाइल्स देखने के लिए, लेकिन मैं इसको जब यूज़ करती हूँ तो लर्निंग प्रोसेस के लिए कि कौन अच्छे प्रोडक्टिव लोग हैं, कौन क्या अच्छा काम करें, तो उससे भी मैं सीख रही होती हूँ, और उसके साथ साथ मैं इसको यूज़ करते हुए अपनी आवाज़ को, अपनी नॉलेज को, मतलब अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस को अपनी आवाज़ के थ्रू, यानी कि जैसे मैं अभी यहाँ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो अपनी आवाज़ के थ्रू मैं इन चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। तो ये शेयर करना भी, क्योंकि आज का दौर जो टेक्नोलॉजी है, तो इसको यूज़ करते हुए मैं कर रही हूँ, तो मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही सही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ इस सोसाइटी के लिए। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इन कामों, इन चीज़ों के लिए सिर्फ आपका पैशन होना चाहिए, आपका शौक होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। आपको बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज होंगे, बहुत ज़्यादा जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो ही आप कुछ कर सकेंगे, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप ओवरऑल मैं समराइज़ कर देती हूँ कि आप मेरे इस बात, इस मैसेज को समझे होंगे कि जब आप रोज़ उठें अपनी ज़िंदगी में, तो आप सोचें कि आप क्यों आज ज़िंदा हैं और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और आप शुक्रगुजारी करें, गौर व फिक्र करें, और सोचें कि आज अल्लाह ने आपको, ना सिर्फ आपको, आपके चाहने वाले, आपके इर्द गिर्द के फैमिली मेम्बर सबको एक नई ज़िंदगी, नया मौका दिया है, तो ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। इन चीज़ों की शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, और आपका जो भी पैशन है उसे फॉलो करते हुए सिर्फ अपने अपने फैमिली मेंबर के अलावा भी, मतलब सिर्फ इनका ही ना सोचें बल्कि उसके आगे भी बढ़ के सोचें कि मैं सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता, ये हो सकती हूँ कि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो तब भी मैं अच्छे नामों से याद रखा जाऊँ, ना कि बुरे नामों से। तो इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।